Good morning, everyone. A very good morning to all of you guys. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you guys. A very good morning to all of you. Kya hal chal hai? Jaldi batayega. इनको तो पेपर ही है सर. अच्छा, किस तीन को पेपर है बेटा? गुड मॉर्निंग अमित बघेल जी. टेक्नो वीए, किस तीन को पेपर है बेटा? तीन आने में कितना टाइम है ये बताओ. अभी तीन आने में कितना टाइम है ये बताइएगा आप मुझे. तीन आने में कितना टाइम है? काफी टाइम है ना, जब तक अपन बहुत कुछ कर लेंगे. क्लियर है बात? चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिएगा. सौरभ बैरा जी गुड मॉर्निंग, अमित बघेल जी गुड मॉर्निंग, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिएगा. हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विदाउट एनी डिले, क्योंकि अब हमें करना है बीएसएफ जेई की तैयारी बड़े जोरों शोरों के साथ, और उसी का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल विदाउट एनी डिले. तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल. सबसे पहले कन्फर्मेशन दीजिएगा, एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल? इज एवरीथिंग एवरी ओके? ओके, गुड मॉर्निंग सुशील मौर्या जी. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर सुपर कोचिंग के साथ आप अपनी सुपर प्रिपरेशन से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं. और इस सुपर प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सुपर सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हैं. तो सुपर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सुपर सब्सक्रिप्शन जो होगा वो आपका ऑल एजेई एग्जाम के लिए निकल करके आएगा. ठीक है शांतनु जी, जल्दी ही हम बता देंगे कब तक हो सकता है. बिल्कुल जल्दी ही बता देंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा. ठीक है, तो हम बात करें उसके लिए आपको क्या है, टेस्ट बुक एप्लीकेशन पर सुपर कोचिंग सेक्शन को विजिट करना होगा. और उस सेक्शन में जाकर के आप देखेंगे ऑल एजेई एग्जाम्स के लिए सुपर कोचिंग वहां पर अवेलेबल है. अगेन हम बात करते हैं, वहां पर आपको सभी तरीके के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे सारे सब्जेक्ट्स के विद टॉप फैकल्टीज ऑफ इंडिया. एंड अगर हम बात करें तो डाउट सेक्शन लिए जाएंगे टेस्ट बुक फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा, तो जिसमें मैं भी आपके डाउट सॉल्विंग सेशन जो अपने एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ मैं भी आपके यहाँ पर डाउट सॉल्विंग सेशंस लेने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं. और अगर हम बात करें तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस भी हम काफी सारे करेंगे, और वहां पर पीडीएफ नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे. तो ये सारा का सारा एक पैकेज के अंदर आपको मिलने वाला है सिविल एजेई सब्सक्रिप्शन के अंदर. अगेन हम बात करते हैं जल्दी, उसमें नॉन टेक वाला पोर्शन भी आपको मिल जाएगा. तो नॉन टेक और टेक्निकल एक ही जगह पर मिलने वाला है सुपर एजेई सब्सक्रिप्शन के अंदर. अगेन तो हम बात करते हैं एआई एटीसी के लिए भी यहां पर क्लासेस यहां पर चालू कर दी गई हैं, और यहां पर आपको इसके साथ मिल रहा है AEJE का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त. तो आप AIATC का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो AEJE का सब्सक्रिप्शन आपको वहां पर बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है, जिसमें हम बात करेंगे सिविल स्टूडेंट को सिविल का, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल का, और मैकेनिकल स्टूडेंट को मैकेनिकल का सब्सक्रिप्शन वहां पर एड ऑन किया जाएगा. अगेन हम बात करें तो ये सारे सब्सक्रिप्शन को एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कोड यूज करना है वैभव 20. इस कोड को यूज करके आप यहाँ पर ले सकते हैं 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. कितने का? 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं. तो बिल्कुल क्लेम कीजिएगा आपका डिस्काउंट आज ही. साथ ही साथ टेस्ट बुक पास के लिए आप बासपास कोड यूज कर सकते हैं, और बासपास कोड यूज करके अभी बिल्कुल खतरनाक तरीके से 499 का नहीं टेस्ट बुक पास, केवल 374 का, मतलब 25% से भी ज्यादा डिस्काउंट में यहाँ पर ले सकते हैं. तो आपको कोड यूज करना है बासपास, और बासपास कोड यूज करके आप लगभग ले सकते हैं 25% तक का डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट ले सकते हैं 25% तक का. तो वो कंडीशन आपकी निकल करके आ रही है. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कंडीशन आपकी निकल करके आ रही है. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन निकल करके आ रही है, काफी हेल्पफुल कंडीशन आपके लिए रहेगी. और 24 आवर्स सेल इज ऑन है यहाँ पर. तो अगर हम बात करें 150 प्लस एग्जाम है, 40,000 प्लस मॉक टेस्ट है, काफी अवेलेबल रहेंगे और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. साथ ही साथ अगर गुड मॉर्निंग सुशील मौर्य जी, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये कंडीशन निकल करके आ रही है. देखो यहाँ पर पूरे टेस्ट बिल्कुल आसानी से बने होते हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है, प्रॉपर एनालिसिस होता है, तो काफी हेल्पफुल रहेगा. अगर हम बात करते हैं यहाँ, हमारी AIATC की क्लासेस जो चल रही है वो फिजिक्स की मास्टर क्लासेस चल रही है, जो की सुबह 12:30 बजे चल रही होती है. आप यहाँ पर आइएगा, और शाम को 9 बजे हम बात करें 9 PM पर हमारा YT सेशन चल रहा होता है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा.
अगेन हमारे जो विनर होंगे उनको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 50% डिस्काउंट ऑन सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शंस। हम बात करते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। साथ साथ हमारे एई जेई की भी क्लासेस चल रही है, तो एई की क्लास शाम को 10:30 PM पे चलती है, जबकि जेई की क्लास जो होती है वो सुबह 11:30 पर चल रही होती है, तो ये भी आपके लिए काफी हेल्पफुल निकल करके आएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा ऑन सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन पे, बात करते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे अगर आप यहाँ पर टॉप करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये कंडीशन निकल के आएगी, चलो तो हम बात करें, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करें बेटा। डीडीए का भी स्टार्ट कर देंगे बेटा। रोहित सिंह जी, बीएसएफ का एग्जाम कब तक होगा, जल्दी हम इस बारे में बात करेंगे। अभी एक दिन मैं इस पर सेशन लेकर के आऊंगा और जल्दी बात करेंगे। थोड़े से रिसोर्सेज मेरे अभी जो है डाउन चल रहे हैं, जल्दी उनके बारे में बात की जाएगी। गुड मॉर्निंग राहुल कुमार जी, गुड मॉर्निंग, ठीक है स्टार्ट किया जाए। आदर्श पांडे जी, आपकी अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल हम बात करते हैं आपका यहाँ पर, बिल्कुल मैं बात करूंगा यहाँ पर निकाल, जल्दी ही बताएंगे हम कि डीडीए का सेशन भी जल्दी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डीडीए का सेशन भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। रोहित सिंह जी गुड मॉर्निंग, अगर हम बात करें प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, चलो स्टार्ट करें। अच्छा ये बता दोस्तों, बारिश वारिश हो रही है या नहीं, बारिश वगैरह हो रही है या नहीं? आज तो सुबह से ही माहौल इतना शानदार बना हुआ है कि इतना माहौल इतना अच्छा है कि इतनी बारिश हो रही है, मजेदार है, मजेदार। गर्मी का प्रकोप कम हुआ, बारिश का प्रकोप चालू हो चुका है, और ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर सेहत का ध्यान देना, क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसमिशन होता है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें अपना, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा अपना, अपने घर वालों का, ठीक है, बाकी दूसरों का ध्यान ज्यादा मत देना। हाँ बाकी सब टेम्परेरी है, जब तक घर वाले नहीं है तब तक टेम्परेरी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, द इंग्रीडियंट, इलाहाबाद में धूप है, ओके, इलाहाबाद की बात अलग है यार, और वो कौन सी, वो चाट है एक जो फेमस चाट है, क्या नाम है यार, हाँ इलाहाबाद की, चलो ठीक है। द इंग्रीडियंट ऑफ पेंट, द इंग्रीडियंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड हेल्प्स टू स्प्रेड द पेंट इवनली ऑन यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेसेस, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो भैया, द इंग्रीडियंट ऑफ पेंट विच गिव्स इट द बाइंडिंग प्रॉपर्टी एंड हेल्प्स टू स्प्रेड द पेंट इवनली ऑन यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेसेज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं व्हीकल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्हीकल्स। तो व्हीकल्स एक लिक्विड होते हैं, हाँ लिक्विड होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग निक जी। तो अगर हमारे व्हीकल्स एक लिक्विड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं वो हम बात करते हैं इवनली सरफेस पर फैलाने की बात करते हैं, जबकि बेस क्या होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं। तो सॉलिड सब्सटेंस क्या होते हैं, वो स्टेट ऑफ डिवीजन में, हम बात करें फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन में इसके साथ मिले होते हैं। सॉल्वेंट क्या होते हैं, एक थिनर का काम करते हैं, पेंट को थिन करने का काम करते हैं, वो थिनर होते हैं। और फिलर क्या होते हैं, एक तरीके के चीप, अगर हम बात करें इनर्ट मटेरियल होते हैं, जो कि हम बात करते हैं इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम वो करते हैं, फिलर जो होते हैं वो वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम कर रहे होते हैं। तो ये सारी कंडीशन निकल कर आती है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्प्रीड पेंट इवनली ऑन यूनिफॉर्मली ऑन द सर्फेस, ये काम कौन करते हैं, ये हमारा व्हीकल कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रोड द टिम्बर, अगर हम बात करते हैं टिम्बर, अगर हम बात करें ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रोड, ड्राई रोड के अटैक के कारण, या टिम्बर, टिम्बर क्या निकल करके आता है, तो अगर हम बात करें ड्राई रोड जो होते हैं वो इन्फेक्टियस डिजीज होती है, फंगस के कारण होने वाली है, और अगर फंगस के कारण होने वाली है तो क्या करता है, फंगस क्या करता है, वुड को क्या करता है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। प्रशांत सुमन जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ, डीडीए के लिए भी बात कर रहा हूँ, डीडीए के लिए अभी बात कर रहे हैं, डीडीए के लिए भी जल्दी चालू होगा सेशन, ठीक है, जल्दी ही चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू द अटैक्स ऑफ ड्राई रोड, ड्राई रोड के अटैक के कारण द टिम्बर क्या होता है, टिम्बर में रिड्यूस टू पाउडर, एक पाउडर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो हम बात करते हैं टिम्बर फंगी के कारण होने वाला है, जिसके कारण होता है। अगर हम बात करें ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई होती है, वेट एंड ड्राई सर्फेस होती है, तो उसके कारण क्या होता है, वेट रूट निकल करके आता है। तो अगर हम बात करें इसको, अगर हमें अटैक से बचाना, ड्राई रोड के अटैक से बचाना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है सनलाइट, सनलाइट की वजह से हम इसको बचा सकते हैं, और प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर को देकर के, ठीक है। तो सिविल जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग भाई, तो हम बात करते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3,
चूज द रीजन वाई पेबल्स ऑफ एनी काइंड इज अनडिजायरेबल इन द ब्रेकर। पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्टोन्स, पेबल्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्टोन। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पेबल्स ऑफ एक्सिस, पेबल्स कॉजेज ब्रेक टू मेल्ट, अगर हम बात करें कॉजेज ब्रेक टू मेल्ट, मेल्ट करने का कोई कारण तो नहीं बनते हैं। मेल्टिंग का जो कारण होती है वो हमारी क्या होती है, हमारी कैल्साइट किले होते हैं, मैंगनीज सल्फेट होता है, ये सारे मेल्टिंग के कारण बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो पेबल्स हैं ऐसा कुछ नहीं होता। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेबल ब्रिक्स आर क्रिस्टलाइज एंड डिसइंटीग्रेटेड इनटू द ड्यूरिंग बर्निंग। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइज होते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो हम बात करते हैं उसको किसके कारण होता है, आयरन पायराइट्स के कारण होता है। लेकिन पेबल्स के कारण ऐसा नहीं होता है, आयरन पायराइट्स के कारण होता है, पेबल्स के कारण नहीं होता है। ब्रिक कंटेनिंग पेबल्स विल नॉट ब्रेक रेगुलरली, तो हम बात करें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बीच से तोड़ना चाहते हैं तो पेबल्स रखने के कारण ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली यहाँ पर नहीं टूटता है, किसी भी तरीके से टूट जाता है, तो हम बात करें ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रेजेंस ऑफ पेबल्स की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ पेबल्स क्या होते हैं, असिस्ट इन बर्निंग। अगर हम बात करते हैं पेबल्स कभी भी बर्निंग में कोई भी हेल्प नहीं कर रहे होते हैं, अगर हम बात करते हैं किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प नहीं कर रहे होते, तो हम बात करते हैं यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं होगा। जो सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं भी आप लोग, वो आयरन पायराइट्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयरन पायराइट्स के कारण निकल करके आता है। तो चारों ऑप्शंस हमने डिफाइन किए हैं इस तरीके से निकल करके आएंगे, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन, अगर हम बात करें मोस्ट एक्यूरेट मेथड, तो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स मेथड, हम बात करते हैं बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स मेथड, हम बात करें प्रीवियस कंस्ट्रक्शन के कंपैरिजन में अभी की जो कंस्ट्रक्शन की लागत आई है वो ज्यादा है, कम है, क्या है, उस तरीके से पता लगाने के लिए हम बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है। प्लिंथ एरिया मेथड क्या करते हैं, इसमें प्लिंथ एरिया, अप्रोक्सीमेट प्लिंथ एरिया निकालते हैं और उस एरिया के प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्लिंथ एरिया रेट अलग अलग भी हो सकता है, एक सा भी हो सकता है, तो हम बात करते हैं एनालिसिस के बेसिस पे निकालते हैं, तो ये भी एक अप्रोक्सीमेट मेथड हो गई। डिटेल एस्टीमेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, आंसर हो जाएगा डिटेल एस्टीमेट, हमारा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, फिर उससे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट बनाते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं रेट से वो निकालते हैं। क्यूबिक रेट में क्या होता है, सबसे पहले क्यूबिकल कंटेंट निकालते हैं, तो क्यूबिकल कंटेंट हमने निकाला, उसको हमने मल्टीप्लाई किया क्यूबिकल कंटेंट रेट से, क्यूबिकल कंटेंट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्यूबिकल कंटेंट रेट फिर से एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे या हमारे जो सारी चीजें हैं उन सारी चीजों के बेसिस पे निकाला जाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर डिटेल एस्टिमेट के लिए, ठीक है। भैया सेशन को शेयर करो यार, अगर देखो ऐसे ही रहा तो बीएसएफ जेई बंद कर दूंगा, ठीक है। फिर बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपके रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड करती हैं, अगर रिस्पॉन्सेस प्रॉपर नहीं हुआ तो ये सारी चीजें फिर बंद हो जाएंगी, ठीक है। मार्केट में कोई चीज आती है तो आपके रिस्पॉन्सेस पे डिपेंड करती है, क्लियर है। और कल देखो एमपीपीएससी का पूरा एनालिसिस किया, किया या नहीं, अगर तुम्हारा एक पेपर ऐसा रहेगा तो मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, ऐसा नहीं है, लास्ट तक एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। बेटा अगर आप रोज आएंगे अमन जी तो रोज चलेगी, लेकिन आप लोग अगर रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं देंगे तो फिर ये बंद भी हो सकती है। अ डिटेल्ड एस्टीमेट विच इज प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन इज, देखो अगर हम बात करेंगे वर्क को प्रॉपर ऑर्डर और सेफ कंडीशन में बनाना है, प्रॉपर ऑर्डर और सेफ कंडीशन में बनाना है मतलब उसको मेंटेनेंस लगातार करते रहना है, ठीक है, मेंटेनेंस लगातार करना है। और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या होता है, कोई वर्क एड ऑन करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा वर्क एड ऑन करते हैं जो कि पहले से नहीं था बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट हम एड ऑन कर रहे हैं, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। एनुअल रिपेयर क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस से रिगार्डिंग, तो हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 यहां पर आंसर हो जाएगा एनुअल रिपेयर। रिवाइज एस्टीमेट की बात करें तो हम रिवाइज कर रहे होते हैं जब एस्टीमेट को, जब हमारा जो सैंक्शन अमाउंट है, सैंक्शन अमाउंट है वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है किससे, हमारा एक्सपेंडिचर से, कितना कितना 5% से ज्यादा होता है, तो हम बात करते हैं हम क्या करते हैं यहाँ पर रिवाइज करते हैं। या हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है कितना, 10% ज्यादा होता है किससे, सैंक्शन अमाउंट से, तब भी हमें क्या करना पड़ता है, रिवाइज एस्टीमेट प्रिपेयर करना पड़ता है। डिटेल एस्टीमेट की बात करें, डिटेल एस्टीमेट में हम किसी भी तरीके का मेंटेनेंस वर्क वगैरह नहीं देख रहे होते हैं, तो हम बात करें चारों ऑप्शन यहाँ पर भी डिस्कस कर लिए। सिक्स नंबर, अ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैज, अगर हमारे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हैज अ इनिशियल कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख एंड सैलवेज वैल्यू ऑफ 50,000 एट द एंड ऑफ एन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 ईयर द रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन एंड टोटल डेप्रिसिएशन विल बी। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, तो अगर हम बात करते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन की बात करें, कितना, सी माइनस एस अपॉन एन, सी क्या होता है कैपिटल कॉस्ट, कितना दिया गया 2 लाख, और अगर हम बात करें कितना दिया गया माइनस सेल्वेज वैल्यू, तो हम कहें कितना है 50,000, 50,000 अपॉन क्या है एन, एन की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो एन की वैल्यू कितनी होती है, एन की वैल्यू होती है 5,
तो हमने 5 लगा दी, तो कितना आएगा ये 30,000। और कल सेम क्वेश्चन पूछा गया है बस, इसमें एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना था, इतना क्वेश्चन पूछा गया है किसके अंदर, इतना क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एमपीपीएससी एई के अंदर। तो काफी सारे सेशन अगर आप अटेंड करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो बिल्कुल सारे सेशन अटेंड करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि बीएसएफ ये है, डीडी ये है, ये है वो है, ठीक है। तो अगर सेशन अटेंड करते हो तो कहीं ना कहीं मिलेगा क्वेश्चन। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये तो पूरा हुआ एनुअल डेप्रिसिएशन, ये क्या हुआ एनुअल डेप्रिसिएशन, लेकिन रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछा गया। तो रेट ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन कितना टोटल डेप्रिसिएशन निकल करके आता है, तो 1,50,000 टोटल डेप्रिसिएशन निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं कितना निकल के आएगा, 0.2 निकल करके आएगा, कितना 0.2 निकल करके आ जाएगा। तो 0.2 वाली वैल्यू हम बात करें ये है और ये है, लेकिन कितना है 1 लाख, 1 लाख है कि 1,50,000 है, 1,50,000 टोटल डेप्रिसिएशन निकल करके आएगा। तो इसलिए हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही जा रहे हो। 7th का भैया जो बन जा रहे थे वो देख लें थोड़ा सा, सौरभ बेरा जी, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शोन इन द अकाउंट बुक आफ्टर अलाउइंग नेसेसरी डेप्रिसिएशन इज, तो देखो अगर हम बात करते हैं, एक कैपिटल कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट है, और अगर हम बात करें कैपिटल कॉस्ट के बाद अगर हम बात करते हैं, यहां पर हमने केवल डेप्रिसिएशन किया, क्या किया डेप्रिसिएशन किया, डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू निकल करके आई वो हमने यहां पर X1 मेजर की, इसको क्या बोलते हैं बुक वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं बुक वैल्यू। लेकिन अगर मार्केट कंडीशन से गए, मार्केट कंडीशन से गए और जो वैल्यू निकल करके आई उसको क्या बोला जाएगा मार्केट वैल्यू बोला जाएगा। तो मार्केट कंडीशन में अदर चीजें भी आती हैं, यहाँ केवल डेप्रिसिएशन एनुअल डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया जाता है, तब हम बात करते हैं बुक वैल्यू बोल रहे होते हैं, और यही प्रॉपर्टी की वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए बात करते हैं, ठीक है। सेम हैज बीन आस्क्ड है आंसर 30,000, बिल्कुल अंशुल साख जी वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बुक वैल्यू की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, अगर हम मटेरियल को विद आफ्टर डिसमेंटलिंग, आफ्टर डिसमेंटलिंग अगर हम बेचते हैं, आफ्टर डिसमेंटलिंग अगर हम बेच रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। और अगर हम बात करें सैलवेज वैल्यू, तो हम बात करें विदाउट डिसमेंटलिंग जब हम बेच रहे होते हैं, विदाउट डिसमेंटलिंग अगर हम बेच रहे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं सैलवेज वैल्यू बोलते हैं। मार्केट वैल्यू बता दी है, बुक वैल्यू बता दी, स्क्रैप वैल्यू बता दी। 7th का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 8th की बात करते हैं गाइस, दोस्तों 8th की बात करते हैं, ठीक है। तो 8th नंबर, जल्दी से सेशन को शेयर करो यार पहले तो यार तुम लोग जल्दी से। हाँ स्क्रैप वैल्यू में भी पॉजिटिव नेगेटिव, बट सैलवेज वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। What is the true bearing of a line AB if the magnetic bearing of south 25 degree west and the declination is this one? तो अगर हम बात करते हैं यहां पर ये है ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ से हमने क्या किया है एक यहां पर वैल्यू निकाल ली है, वो हमारी क्या निकल करके आ गई है, वो हमारी आ गई है मैग्नेटिक नॉर्थ। और मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में जो वैल्यू निकल के आई वो कितना आई है 7 डिग्री 30 मिनट। तो हम बात करें ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 डिग्री 30 मिनट आ जाएगी। और अगर हम बात करते हैं यहां से, यहां से जो ये वैल्यू निकाल करके लाए हो वो कितनी निकाल करके लाए हो, जो वैल्यू निकाल करके लाए हैं वो हम बात करें ओ ए लाइन की बियरिंग निकाल करके लाए हैं, वो कितना निकाल करके लाए हैं, वो लाए हैं हम 125 डिग्री वेस्ट, साउथ 25 डिग्री वेस्ट। अगर हम बात करें ट्रू बियरिंग निकालना है इसके लिए, तो ट्रू बियरिंग कितना हो जाएगा, ये ट्रू बियरिंग हो जाएगा। तो उसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 25 डिग्री में से कितना 7 डिग्री 30 मिनट माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 17 डिग्री 30 मिनट निकल करके आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ 17 डिग्री 30 मिनट वेस्ट निकल करके आ जाएगा, साउथ 17 डिग्री 30 मिनट वेस्ट निकल करके आ जाएगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द, बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बढ़िया यार, 125 क्यों कर रहे हो यार, सीधे सीधे निकाल दो ना, यहाँ पर WCV से सीधा निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये ऐसा कुछ होता तो हमें WCV निकालना पड़ता, WCV से भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, WCV से भी निकाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 9th नंबर की बात करते हैं, अ सब्सटेंस बार कैन बी यूज टू डिटरमाइन। देखो सब्सटेंस बार्स जो मेथड है वो टेक्यूमेट्री की एक मेथड है, टेक्यूमेट्रिक मेजरमेंट की। और टेक्यूमेट्रिक में हम क्या मेजर करते हैं, टेक्यूमेट्रिक में हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे होते हैं, किसको मेजरमेंट कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को जब हम मेजर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्यूमेट्री बोलते हैं। तो उसी का एक मेथड है सब्सटेंस बार। सब्सटेंस बार के अंदर हम क्या करते हैं, सब्सटेंस बार के अंदर एक हम बात करते हैं डिस्टेंस मेजर करते हैं, जो हम बात करते हैं यहाँ पर फिक्स्ड क्रॉस हेयर की बात कर रहे होते हैं, वहां से निकल कर आते हैं। गुड मॉर्निंग रेशमा, काफी दिनों बाद। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो कुछ लोग यार जो पहले रेगुलर रहते थे वो तो रेगुलर रहिएगा, कहाँ गए वो लोग सभी के सभी, है ना। तो अगर हम बात करें इन अ प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस डायरेक्टली इज नोन एज, अगर हम बात करते हैं
एक प्लेन टेबलिंग के अंदर द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस डायरेक्टली इज नोन एज, क्या बोला जाता है? तो अगर हम बात करते हैं प्लेन टेबलिंग के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को डायरेक्टली मेजर करने के लिए, वो हम क्या बात करते हैं, उसको हम एलीडार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलीडार्ट। लेकिन यहाँ पर एलीडार्ट जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा प्लेन एलीडार्ट और एक हमारा होता है प्लेन एलीडार्ट निकल करके आता है, और एक क्या होता है टेलीस्कोपिक एलीडार्ट निकल कर। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोपिक एलीडार्ट, तो प्लेन एलीडार्ट केवल हॉरिजॉन्टल में देखता है, केवल हॉरिजॉन्टल में देख सकता है, लेकिन ये क्या है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में देख सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर टेलीस्कोपिक एलीडार्ट विल बी द राइट आंसर, टेलीस्कोपिक एलीडार्ट विल बी द राइट आंसर। प्लेन एलीडार्ट नहीं होगा, क्या होगा? टेलीस्कोपिक एलीडार्ट विल बी द राइट आंसर होगा, प्लेन है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल का भी पूछा गया है, वर्टिकल का भी पूछा गया है। क्लियर है बात? 11 नंबर, द टेलीस्कोप ऑफ डम्पी लेवल इज, अगर हम डम्पी लेवल के टेलीस्कोप की बात करते हैं तो डम्पी लेवल का जो टेलीस्कोप होता है वो किस तरीके से निकल करके आता है? तो डम्पी लेवल का जो टेलीस्कोप होता है वो क्या होता है, वो होता है रिजिडली फिक्स्ड होता है, किसके साथ? लेवलिंग हेड के साथ। अगर हम बात करें कैन बी टिल्टेड इन अ वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन में टिल्टेड हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? टिल्टेड। टिल्टेड अगर हम बात करें टिल्टेड लेवल बोला जाता है, क्या बोला जाता है? टिल्टेड लेवल बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कैन बी टेकन आउट, कैन बी टेकन आउट टू इट्स सपोर्ट एंड रिवर्स, अगर हम आते हैं सपोर्ट से निकाल कर सकते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वाई लेवल बोल रहे होते हैं। और अगर हम आते हैं परमिट्स द इंटरचेंज ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव ग्लास, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कुशिंग, कुशिंग्स हम बात करते हैं, कुशिंग्स लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुशिंग्स लेवल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर 11 का। ठीक है, इट इज यूज मेनी रीडिंग फ्रॉम वन पॉइंट। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, द एंगल बिटवीन द ऑब्जर्वर्स मेरिडियन एंड द डिक्लिनेशन सर्किल ऑफ द हेवनली बॉडी इज रिफर्ड एज। अब देखो ये एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है, तो डायरेक्टली अगर हम आते हैं जो एंगल्स ऑब्जर्वर्स मेरिडियन का एंगल है, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन और डिक्लिनेशन सर्किल के बीच जो हेवनली बॉडी के डिक्लिनेशन सर्किल के बीच जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम आर्स एंगल बोल रहे होते हैं। डायरेक्टली क्या बोलते हैं? आर्स एंगल निकल करके आता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आर्स एंगल। क्या हुआ सौरभ, आज बिल्कुल गलत कर रहे हो बार बार। ठीक है, जबकि ये क्वेश्चन बहुत कुछ कर चुके हैं हम। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन फ्रॉम टॉप ऑफ अ 134 मीटर लाइट हाउस इज, अगर हम आपके डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन की बात करते हैं, क्या है यहां पर अगर आप खड़े हो और यहां से कितनी दूर तक का ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिख सकता है, उसका टॉप बिल्कुल क्लियरली दिख सकता है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? डी में होगा। और अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्ट का हाइट किस में होगा? एच में होगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ विजिबल हॉरिजन जो निकालना है वो कितना होता है? अगर हम बात करें डी इज इक्वल टू 3.85 अंडर रूट एच निकल के आता है, जहां एच किस में है? मीटर में, और डी की वैल्यू किस में लिखी जाएगी? किलोमीटर में लिखी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं 3.85 अंडर रूट, अगर हम बात करते हैं अंडर रूट ऑफ 134, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितना निकल करके आती है? ये वैल्यू निकल करके आएगी 44.62 किलोमीटर, 44.62 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की बात कर लो भैया। भैया समझ में आ रहा है या नहीं? सभी को समझ में आ रहे हैं या नहीं? किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना, बेझिझक बेझिझक बेहिचक बेझिझक पूछ सकते हो आप लोग डाउट। ठीक है, अब भैया बाकी लोग गए कहाँ आजकल? क्या मतलब कल का एग्जाम देके रिलैक्स बैठे हैं? देखो कल जो एमपीपीएससी का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कराया, पेपर ऑफलाइन था तो पूरा पेपर सॉल्व करा दिया, वीडियो यहीं पर अवेलेबल है, वो जाकर के देख लेना। अभी मैंने आंसर आंसर बता दिए हैं सारे, जो भी था थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस जो जरूरी है वो बता दी है। बाकी अगर आप चाहें तो उसके कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वहां पर डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो फिर डिटेल डिस्कशन उसका किया जाएगा, जो आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलो क्लियर है बात सभी को? यस और नो? चलो, और डीडीए के सेशंस के लिए आप परेशान मत होइएगा, आप लोगों की बात मैंने मैनेजमेंट के सामने रख दी है, जल्दी कोशिश करेंगे कि डीडीए के सेशंस भी हम स्टार्ट कर सकें। ओके ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करें इन अ थियोडोलाइट द टेलीस्कोप विच इज रिवर्स इज ऑल्सो नोन एज, अगर हम थियोडोलाइट की बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं विच इज रिवर्स, जिसको क्या किया गया? रिवर्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो अगर हम बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें जिसको रिवर्स किया गया उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बबल डाउन मेथड।
क्या बोला जाता है, बबल डाउन मेथड बोला जाता है, बबल डाउन मेथड। अगर हम बबल डाउन मेथड की बात करें तो बबल डाउन मेथड को ही क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेस राइट ऑब्जर्वेशन। फेस राइट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या बोलते हैं, रिवर्स कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्स कंडीशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बबल अप कंडीशन, तो बबल अप कंडीशन को क्या बोला जाता है, फेस लेफ्ट कंडीशन बोला जाता है, फेस लेफ्ट कंडीशन। और अगर हम बात करते हैं फेसलेस कंडीशन को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट कंडीशन भी बोला जाता है, डायरेक्ट कंडीशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो फेसलेस और बबल बबल अप दोनों दिए गए हैं, इसलिए दोनों आंसर होंगे नहीं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, एक फंडामेंटल एक्सिस होती है जो कि हम बात करते हैं, जो क्रॉस हेयर्स के सेंटर और ऑब्जेक्टिव के सेंटर से पास हो रही होती है, वो हमारी क्या होती है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन होती है। ठीक है, चलो 15 नंबर की बात करते हैं, 15 नंबर की बात करें। हाँ, सिविल इंजीनियर एट द रेट, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, यानी सैंड के बारे में पूछा गया है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट सैंड के बारे में कौन होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सैंड को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं, एक कोर्स सैंड, एक हमारा मीडियम सैंड, और एक हमारा क्या होता है, फाइन सैंड निकल करके आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या बात करना है सर, 2 mm से लेकर के 4.75 mm तक क्या निकल करके आता है यहाँ पर, कोर्स सैंड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बात करें 0.425 mm से लेकर के कितना, अगर हम बात करते हैं कितना, तो 2 mm तक क्या निकल करके आता है हमारा, ये निकल करके आता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 0.075 से लेकर के 0.425 mm तक क्या निकल करके आता है हमारा, हमारा निकल करके आता है फाइन सैंड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये फाइन सैंड निकल करके आ रहा होता है, अगर ये फाइन सैंड निकल करके आ रहा होता है, तो ये कंडीशन हमें बात करना है कि सैंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो बताओ 0.7075 से सबसे क्लोज वैल्यू कौन सी मिल रही है, ऑप्शन नंबर 2 मिल रही है, फाइनेस्ट साइज में कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर सैंड भी हो सकता है और सिल्ट भी हो सकता है, सैंड के साथ कौन प्रेजेंट हो सकता है, सिल्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बेटर आंसर होगा। एसएससी ने इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया था, बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी आंसर क्या है, सही नहीं है, क्योंकि सैंड के लिए जो वैल्यू होती है वो 0.7 तक ही वैलिड होती है, 0.07 तक ही वैलिड होती है। ठीक है, क्लियर होता है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू सही नहीं है, फिर भी हमें आंसर इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हम बात करें चारों वैल्यू अलग दी गई है, नन ऑफ द अबव होता तो हम वहां वो आंसर लगाते और आगे बढ़ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डार्सी लॉ फॉर फ्लो फॉर ग्राउंड वाटर मूवमेंट स्टेट दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर हम बात करें डार्सी लॉस क्या बोलता है, डार्सी लॉ बोलता है सॉइल कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड सॉइल मासेस होना चाहिए, साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्या निकल करके आना चाहिए, हम बात करते हैं लेमिनार फ्लो कंडीशन होना चाहिए। तो लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कितना निकल करके आता है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आता है ये हमारा क्या होता है, हमारा होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कर्व निकल करके आता है, लेंथ ऑफ द क्रीप, या हम बात करें लेंथ ऑफ द सीपेज निकल करके आते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ द सॉइल मास, तो अगर हम बात करें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू कितना होता है, हम बात करते हैं वी इज इक्वल टू वी के बराबर निकल के आता है, तो मूवमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, आई के बराबर निकल के, ऐसा लिखो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी इज इक्वल टू कितना होता है, के आई, के क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ परमेबिलिटी निकल करके आता है, कॉफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी निकल करके आ रहा होता है। तो हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर लैमिनार फ्लो बोल दिया सॉइल में, तो लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, अगर हम बात करें कहीं पर इक्वल टू 1 होगा तो कहीं पर लेस देन 1 होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फ्लो हमारा कैसा चाहिए, लैमिनार कंडीशन में चाहिए, तो हम उस कंडीशन के लिए ये निकल करके आता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, फिर इसके बाद क्यू इज इक्वल टू निकालते हैं कितना, वी इंटू ए, और अगर हम बात करें वी इंटू ए तो के आई ए इंटू, अगर हम बात करते हैं एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, सॉरी के आई ए ही हो जाएगा, वो डायरेक्टली तो लिख दिया है। 17 नंबर की बात करते हैं, लेस देन इक्वल टू 1, बहुत बढ़िया। चलो डार्सी पार्टिकल साइज 0.5 mm, चलो ठीक है। द करेक्ट, अगर हम बात करें द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल के रिस्पेक्ट में जो करेक्ट स्टेटमेंट है क्या है, तो हम बात करें जियो टेक्सटाइल आर द थिन इम्परमिएबल शीट, तो हम बात करें इम्परमिएबल नहीं है, कैसे है, परमिएबल होता है,
परमिएबल होते हैं, ठीक है। अगर परमिएबल होते हैं तो हम बात करते हैं जियो टेक्सटाइल जो होते हैं परमिएबल। इम्परमिएबल कौन से होते हैं? जियो मेम्ब्रेन। जियो मेम्ब्रेन या तो इम्परमिएबल होते हैं या हमारे बहुत कम परमिएबिलिटी रखते होते हैं, तो हम बात करें जियो मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो जियो टेक्सटाइल आर यूज, अगर हम बात करें जियो टेक्सटाइल आर यूज फॉर द सीलिंग अगेंस्ट द फ्लूड पर्कोलेशन। अगर हम बात करते हैं सीलिंग अगेंस्ट द फ्लूड फ्लूड पर्कोलेशन के अगेंस्ट सीलिंग को प्रोवाइड करना है तो जियो टेक्सटाइल यूज किया जाता है। तो हम बात करते हैं, ये स्टेटमेंट फिर से गलत हो गया। क्या यूज किया जाता है यहाँ पर? जियो मेम्ब्रेन यूज किया जाता है। जियो मेम्ब्रेन इज यूज्ड, जियो मेम्ब्रेन यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, हम बात करें जियो टेक्सटाइल आर द सीलिंग, तो अगर हम बात करें जियो टेक्सटाइल आर द रेनफोर्समेंट एंड फ्रिक्शन, अगर हम बात करें जियो टेक्सटाइल आर यूज फॉर रेनफोर्समेंट एंड फ्रिक्शन फिल्ट्रेशन, इन दोनों के लिए यूज किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जियो टेक्सटाइल कैन बी यूज फॉर द बफर, अगर हम बात करें फिर से जियो टेक्सटाइल नहीं होता ये कौन सा होता है? ये होता है जियो, अगर हम बात करते हैं जियो जियो मेम्ब्रेन निकल करके आता है, क्या होता है? जियो मेम्ब्रेन यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जियो मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो जियो मेम्ब्रेन यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है, ठीक है। तो जियो मेम्ब्रेन जो है बफर के अंदर होता है। अगर हम बात करें जियो टेक्सटाइल का फिर काम क्या क्या है, जियो टेक्सटाइल का जो काम है वो क्या क्या है? वो हमारा रेनफोर्समेंट है, फिल्ट्रेशन है, ड्रेनेज है और सेपरेशन है। ड्रेनेज, सेपरेशन, फिल्ट्रेशन और रेनफोर्समेंट निकल करके आता है, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं, ठीक है बेटा। कल है एग्जाम डेट, ठीक है। नवदीप चहल जी, कल है एग्जाम डेट, कल कल ही तो एग्जाम है बीएसएफ जेई का, कल एग्जाम है। आपने तैयारी नहीं की अभी? एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया क्या? अरे यार जल्दी करो ना, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ जल्दी कर लो, ठीक है। देखो इन लोगों ने एडमिट कार्ड निकाल लिया, सब हंस रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने एडमिट कार्ड निकाल लिया। भैया बता दो सेंटर का कहाँ है। चलो, अरे यार एग्जाम हो जाएगा, मतलब जब से सेशन स्टार्ट नहीं हुआ 6-7 लोग लगातार ये पूछे, जितने तो है नहीं है यहाँ पर उतने लोग तो ये पूछ चुके हैं कि सर एग्जाम कब है, मतलब बड़ी हाँ दिक्कतें हैं यार तुम लोग की जिंदगी में यार। अब देखो ये बताने भी लगे सेंटर कहाँ है, ये भी मजे लेंगे। और भाई अपने भाइयों को ऐसे नहीं करते हैं यार, तुम लोग तो कम से कम साथ दो उनका। नहीं तुम ऐसी बातें करते हो यार। चलो ऐसी बातें करते हो, 18 नंबर सिविल के अंदर सिविल इंजीनियरिंग जाएगा। ठीक है चलो, अच्छा प्लान नंबर 487। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच डिफाइंस इट्स स्ट्रेंथ अगेंस्ट, अरे यार तुम लड़ाइयां शुरू कर दो, मतलब थोड़ा सा मजाक क्या करो, तुम लड़ाई शुरू कर दो भाई, जिसको भागना है वो तो भाग ही जाएगा, तुम क्या कर पाओगे यहाँ पर है। डिजिटल वर्ल्ड भी आ गया, डिजिटल वर्ल्ड का सेंटर देखो कहाँ होगा, उधर ही होगा दिल्ली में। डिजिटल वर्ल्ड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया तुमने ना। चलो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच डिफाइंड इट्स स्ट्रेंथ अगेंस्ट, अगर हम बात करें विच डिफाइंड इट्स स्ट्रेंथ अगेंस्ट डिफॉर्मेशन ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अमंग सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमंग सॉइल पार्टिकल, तो हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या होता है? पार्टिकल टू पार्टिकल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब पार्टिकल से पार्टिकल का फोर्स, तो कौन सा होता है? अगर हम बात करते हैं इट स्ट्रेंथ अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, अगेन बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ दे रहा है डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रू कोहेजन। अपेरेंट कोहेजन के कारण कैसा फॉर्मूला होता है? हम बात करते हैं बल्किंग, जब बल्किंग ऑफ सैंड होता है तो बल्किंग ऑफ सैंड में कैसा होता है? अपेरेंट कोहेजन, उसके कारण क्या होता है? पार्टिकल रिपेल हो जाते हैं, पार्टिकल क्या हो जाते हैं? रिपेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। पार्टिकल क्या होता है? रिपल्सन लग रहा होता है, पार्टिकल के बीच क्या है? रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर लग रहा होता है। जबकि डायलेटेंसी क्या होता है? वाटर के आने पर चेंजेस कितना होता है? कंसिस्टेंसी का रिलेशन किससे होता है? शेयर स्ट्रेंथ से निकल कर जाता है। कंसिस्टेंसी का रिलेशनशिप किससे निकल करके आता है? शेयर स्ट्रेंथ से निकल करके आता है। तो वाटर चेंज करने पर कितना चेंजेस हो रहा है, वो कंसिस्टेंसी निकल के, क्लियर है बात? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
19, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, फिर से फ्लो तोड़ देते हो यार तुम लोग यार, पूरा का पूरा फ्लो तोड़ देते हो यार। मतलब एग्जाम का अभी देखना, मैं लिख के दे रहा हूं, 5 से 10 मिनट के अंदर एक और आएगा, ये पूछेगा सर एग्जाम कब होगा। चलो, अमंग द फॉलोइंग द ट्रू स्टेटमेंट इज, अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से सही कथन की पुष्टि कीजिएगा, सही कथन की पुष्टि कीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं सरफेस टेंशन इज ड्यू टू द कोहेशन ओनली, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की बात करते हैं ड्यू टू द कोहेशन ओनली, बिल्कुल कोहेशन के कारण ही होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैपिलरी इज ड्यू टू द कोहेशन ओनली, कैपिलरी केवल कोहेशन के कारण नहीं होता है, कैपिलरी कोहेशन और एडहेशन के कारण दोनों हो सकता है, जिससे कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल मिलता है हमें, कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कैपिलरी इज ड्यू टू द कोहेशन एंड एडहेशन, बोथ कोहेशन एंड एडहेशन, तो हम बात करते हैं कैपिलरी की बात करते हैं, तो कैपिलरी जो होता है वो कोहेशन और एडहेशन दोनों के कारण मिल रहा होता है। सरफेस टेंशन केवल और केवल किसके कारण? कोहेशन के कारण। तो हमारा फोर्थ और वन यहाँ पर सही आंसर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है बात? हाँ बिल्कुल, एसएससी जेई का क्वेश्चन। चलो 20 की बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ स्ट्रेप, निम्नलिखित में से, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ स्ट्रेप, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्ट्रेप का अजम्पशन? देखो स्ट्रेप क्या होती है, एक फुटिंग होती है, अगर हम बात करें एक तरीके की फुटिंग होती है, स्ट्रेप का मतलब होता है बीच में से बांध देना, दो फुटिंग है इनके बीच में से बांध देना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रैप बोल रहे होते हैं। और अगर हम स्ट्रैप की बात करते हैं, तो स्ट्रैप इज परफेक्टली इलास्टिक, नहीं भैया स्ट्रैप परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, कैसा होता है? परफेक्टली रिजिड निकल करके आता है, परफेक्टली क्या निकल करके आता है? रिजिड निकल के आता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? रिजिड। अगर हम बात करें स्ट्रैप इज वेटलेस, वेटलेस होता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें तो द इंटीरियर फुटिंग इज सेंट्रली लोडेड, अगर हम बात करते हैं ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, द इंटीरियर फुटिंग इज सेंट्रली लोडेड, ठीक है, इंटीरियर फुटिंग इज सेंट्रली लोडेड क्या होता है, वो भी हमारा सही जवाब होता है। और सॉइल प्रेशर इज यूनिफॉर्म बीनीथ द ईच इंडिविजुअल निकल कर क्या आता है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी सही होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? नॉट, कई बार ये भूल जाते हैं नॉट, तो हम बात करें नॉट एन अजम्पशन, तो हम बात करें कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 इज द अजम्पशन, नहीं इज द, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कोई भी अजम्पशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 21 की बात करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, अरे परेशान मत हो जाएगा यार एग्जाम। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप कंपोनेंट्स थ्रू विच द फ्लूइड फ्लो इज, अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप का करेक्ट करेक्ट रिलेशनशिप बताइएगा, करेक्ट ऑर्डर बताइएगा जिसके थ्रू पानी फ्लो हो रहा है, तो सबसे नीचे क्या लगे रहेंगे हम? सबसे नीचे लगेगा स्ट्रेनल एंड फुटवॉल्व, अगर हम स्ट्रेनल एंड फुटवॉल्व की बात करेंगे तो क्या लगा जाएगा? स्ट्रेनल, स्ट्रेनल मतलब जो है इम्प्योरिटी को आने से रोकेगा, बड़े बड़े पार्टिकल को आने से रोकेगा, और फुटवॉल्व क्या करेगा वहां पर? पानी को फ्लक्चुएट करने की बात करता है, ठीक है, पानी की एंट्री को रोकना या ले जाना क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होगा? सक्शन पाइप, सक्शन पाइप यहाँ पर लगेगा स्ट्रेनर, यहाँ पर लगेगा सक्शन पाइप, तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा, और सक्शन पाइप से क्या होगा? फिर इम्पेलर से ऐसे गोल गोल घूमेगा, और गोल गोल घूमने के बाद बाहर निकलेगा, जो इसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो बाहर निकालेगा किस पे? हमारे पास डिलीवरी पाइप पे, डिलीवरी पाइप पे जाएगा, डिलीवरी पाइप से किस पे जाएगा? टर्बाइन पे चला जाएगा, ये टर्बाइन पे चला जाएगा, ये टर्बाइन पे चला जाएगा, तो ये टर्बाइन हो जाएगी। तो हम बात करते हैं हमारा सही ऑप्शन कौन सा निकल करके आता है, सही ऑप्शन निकल करके आता है हमारा कौन सा निकल करके आता है, जल्दी बताओ। सही ऑप्शन निकल के आएगा स्ट्रेनर एंड फुटवॉल, वॉल, देन सक्शन पाइप, देन इंपेलर, देन डिलीवरी पाइप, इस तरीके से निकल करके आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, द विस्कस फोर्स, अगर हम बात करते हैं द विस्कस फोर्स की बात करते हैं, तो द विस्कस फोर्स क्या होता है? बिल्कुल छन्नी बोलते हैं उसको, नेचर लवर। तो अगर हम बात करें विस्कस फोर्स क्या करता है? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड मोशन, तो दो लेयर आपस में रिलेटिव मोशन में है, और अगर रिलेटिव मोशन में है तो रिलेटिव मोशन में होने के कारण अगर हम बात करते हैं तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है जो अपोज करता है उनके मूवमेंट का, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं विस्कोस फोर्स, विस्कस फोर्स जो कि विस्कोसिटी के कारण निकल करके आ रहा होता है, तो अपोज करता है मोशन का, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 23 की बात करते हैं, अ फ्लो इन विच वेलोसिटीज ऑफ लिक्विड पार्टिकल एट ऑल सेक्शंस ऑफ पाइप और चैनल आर इक्वल इज कॉल्ड एज, देखो अगर हम कहें ये पाइप है, पाइप के इस सेक्शन पे देखें, X1 सेक्शन पे देखें, पाइप के X2 सेक्शन पे देखें, पाइप के X3 सेक्शन पे देखें, तो जितने भी सेक्शन पे हम बात करते हैं सभी पर हमारा जो है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो वो निकल करके आएगा, तो हम बात करते हैं यहाँ पर तीनों कंडीशन में, अगर हम बात करते हैं तो तीनों कंडीशन में क्या निकल के आए? सेम वेलोसिटी, वी वी और वी, और ऐसे फ्लो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं, जिसमें स्पेस स्पेस के साथ वेरिएशन ना हो। अनस्टडी किसको बोलते हैं? जिसमें
टाइम के साथ चेंजेस हो रहे हैं, टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है। एक ही सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू टी वन पे देखो, देन टी टू पे देखो, देन टी थ्री पे देखो, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर वी वन आ रही है वेलोसिटी, यहाँ पर वी टू आ रही है, फिर यहाँ पर वी थ्री आ रही है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, अनस्टडी फ्लो बोला जाता है। लेमिनार क्या होता है, एक लेमिना के फॉर्म में फ्लो हो रहा है वो लेमिनार, और टर्बुलेंट क्या होता है, जिगजैग मोशन में हो रहा है वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन निकल करके आ रहा है, तो वो कंडीशन निकल करके आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। द वेलोसिटी विथ विच, अगर हम बात करते हैं द वेलोसिटी विथ विच द वॉटर रीचेज आर नोचेस इज कॉल्ड, देखो एक वो वेलोसिटी जिसके कारण हमारा वाटर नोचिस तक पहुंच रहा है, तो हम बात करें अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर जो फ्लो हो रहा है उस फ्लो का मेजरमेंट हम करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वहां पर क्या बोलते हैं उसको, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अप्रोच कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वर्ल्ड क्या होता है, जब हमारा वर्ल्ड वर्ल्ड बनाएगा, वर्ल्ड फूल बनाएगा, तो हम उसकी बात करते हैं, वर्ल्ड बनाएगा हमारा, बबर बनाएगा, तो उस कंडीशन को वर्ल्ड वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल वेलोसिटी हो नहीं सकता, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी अलग अलग तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स में डिफाइन हो जाती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, हमारा क्रांतिक वेग निकल, सॉरी हमारा क्या निकल के आएगा, पहुंच का वेग, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 25, बैंक स्टोरेज इन द डैम रिजर्वायर इज, बैंक स्टोरेज, तो बैंक स्टोरेज डिफाइन कैसे होता है, जो हमारा रिजर्वायर होता है, अगर रिजर्वायर की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम पूल लेवल है, मिनिमम पूल लेवल है, इसके नीचे जहां पर रिवर बह रही थी, पहले रिवर बह रही थी, तो उतना स्टोरेज क्या होता है, और बेड के बीच में उसको क्या बोलते हैं, हम बैंक स्टोरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंक स्टोरेज। और बैंक स्टोरेज में वॉइड्स में पानी भरा होता है, क्या होता है, वॉइड्स में पानी भरा होता है, तो जब वॉइड्स में पानी भरा होता है तो वो वॉइड्स का पानी इस पानी के लेवल में कम ही हो जाने के कारण यहाँ पर इसको सुटेबल बना रहा होता है, सफिशियंट यील्ड दे रहा होता है, तो सफिशियंट यील्ड दे रहा होता है वो कौन सा हो जाएगा, इंक्रीज इन द कंप्यूटेड रिजर्वायर कैपेसिटी। कंप्यूटेड रिजर्वायर कैपेसिटी में क्या करता है, इंक्रीज, अगर हम बात करें तो वॉइड से ये पानी ड्रिल वगैरह करके या बोरिंग करके निकाला जा सकता है, तो ये इंक्रीज कर रहा है रिजर्वायर की कैपेसिटी को, ना कि डिक्रीज कर रहा है। समटाइम डिक्रीज बट समटाइम इंक्रीज द कंप्यूटेड रिजर्वायर कैपेसिटी, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर पानी वॉइड में अवेलेबल है तो हमेशा इंक्रीज करेगा उस कैपेसिटी को, तो हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर प्रॉपर आंसर आएगा। अच्छा, ये मैक्सिमम पूल लेवल, अगर हम बात करें मैक्सिमम पूल लेवल, तो मैक्सिमम पूल लेवल और मिनिमम पूल लेवल के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूजफुल स्टोरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूजफुल स्टोरेज बोला जाता है। और अगर हम यहाँ पर गेट लगा दें और गेट के कारण पानी फ्लड में आकर के जमा हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सरचार्ज बोला जाता है, सरचार्ज लेवल की बात करते हैं, क्या हम बात करते हैं सरचार्ज स्टोरेज को बोल रहे होते हैं, सरचार्ज स्टोरेज को बोल रहे होते हैं, तो ये कंडीशन निकल करके आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें मिनिमम पूल लेवल, मिनिमम पूल लेवल और बेड ऑफ लेवल के बीच में जो लेवल निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेड स्टोरेज, उसको क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज बोल रहे होते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, डेड स्टोरेज बोल रहे होते हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, डेड स्टोरेज बोल रहे होते हैं, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट मोड ऑफ फेल्योर इन ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम में निम्न में से, आकर्ष जी एचपीसीएल के लिए थ्योरी सेशन, बेटा उसको मैंने अभी देखा नहीं है, मैं पूरा देख के फिर उसके बाद एनालिसिस करूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा आपको क्या है क्या नहीं है, तो रैंडमली कुछ नहीं बोला जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। ओके गाइस, ना ही मैं बोलना चाहूंगा रैंडमली कुछ भी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है, ओवर टर्निंग है, स्लाइडिंग है, टेंशन फेल्योर, ये किसके हैं, ये ग्रेविटी डैम के हैं, ये किसके हैं, ग्रेविटी डैम के, लेकिन सीपेज फेल्योर किसका है, सीपेज फेल्योर जो है वो अर्थ डैम का है, अर्थन डैम का यहाँ पर निकल के आता है। साथ ही साथ ग्रेविटी डैम में एक और फेल्योर निकल के आता है, वो कौन सा होता है, वो कंप्रेशन या क्रशिंग फेल्योर होता है, वो कौन सा होता है, कंप्रेशन और क्रशिंग फेल्योर निकल करके आता है, कंप्रेशन और क्रशिंग फेल्योर निकल करके आ रहा होता है, तो चौथा और होता है कंप्रेशन एंड क्रशिंग फेल्योर, ठीक है। 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ ट्रू रेजाइम कंडीशन, ट्रू रेजाइम कंडीशन में कौन सी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, तो जब भी हम ट्रू रेजाइम कंडीशन की बात करते हैं तो ट्रू रेजाइम कंडीशन के अंदर क्या होता है, सिल्ट ग्रेड डिस्चार्ज और सिल्ट चार्ज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सिल्ट ग्रेड का मतलब होता है पार्टिकल के साइज से, सिल्ट ग्रेड का मतलब होता है पार्टिकल के साइज से, डिस्चार्ज का मतलब होता है डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो हो रहा है, और सिल्ट चेंज चार्ज का मतलब क्या होता है, सिल्ट चार्ज का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट कितना निकल करके आ रहा था, तो उस कंडीशन की बात करते हैं तो ये तीनों क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट, जबकि अगर हम बात करते हैं सिल्ट
जबकि हम बात करते हैं क्या चैनल कैन बी, अगर हम बात करें चैनल कैन बी स्कोर्ड मोर इजीली देन इट कैन बी डिस्पोजिटेड, तो ये वाला ऑप्शन यहां पर जंक्शन नहीं माना गया है, तो ऑप्शन नंबर वन यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर की बात करते हैं, रन ऑफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अगर हम बात करते हैं रन ऑफ कैन बी एक्सप्रेस, मयंक जी कहां है भैया बताओ यार। ठीक है चलो मैसेज करो टेलीग्राम पर जल्दी, मयंक को बुलाओ यहां पर। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर रन ऑफ कैन बी एक्सप्रेस एज, अगर हम बात करें रन ऑफ, अच्छा तो रन ऑफ कैन बी एक्सप्रेस एज, रन ऑफ को कैसे यहां पर एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो हम बात करें एमएम ऑफ वाटर ओवर द कैचमेंट, मतलब डेप्थ के फॉर्म में कर सकते हैं, बिल्कुल डेप्थ के फॉर्म में यहां पर कर सकते हैं। ठीक है अच्छा इलेक्शन में है, ओके क्यूबिक मीटर फॉर अ कैचमेंट एरिया, अगर हम बात करें क्यूबिक मीटर फॉर अ कैचमेंट एरिया के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर एरिया के लिए क्यूबिक मीटर में भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, तो हम बात करें दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। 29 A district with a bituminous pavement has a horizontal curve of 1000 meter. ठीक है, तो अगर हम बात करें 1000 मीटर का हम क्या रख रहा है, रेडियस रख रहा है, और क्या बोल रहा है स्पीड जो रख रहा है वो 75 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड रख रहा है, तो सुपर एलिवेशन। अब देखो यहां पर फ्रिक्शन नहीं दिया गया है, अगर फ्रिक्शन नहीं दिया गया मेरे बच्चों तो क्या करोगे डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के केस में कितना लोगे, जो स्पीड लेते हैं वो 75% ऑफ डिजाइन स्पीड लेते हैं, स्पीड कितना लेते हैं 75% ऑफ डिजाइन स्पीड, तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा ई इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर निकल के आएगा, तो वी स्क्वायर की बात करें 0.75 बी का स्क्वायर अपॉन, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, v स्क्वायर की बात करें तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू r निकल करके आएगा, और इससे जो वैल्यू सॉल्व करोगे वो 1/40 निकल करके आ जाती है, कितनी 1/40, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां फ्रिक्शन दे देता तब तुम फॉर्मूला कितना लगाते, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर लगा करके आते, वी स्क्वायर अपॉन 127 आर लगा करके आते, अगर मैं बोलता दोनों टायर पर रिएक्शन इक्वल हो गई है तब भी तुम कितना फॉर्मूला लगाते, अगर दोनों टायर पर रिएक्शन इक्वल हो गई है तब भी तुम कितना फॉर्मूला लगाते, दोनों टायर पर अगर रिएक्शन इक्वल हो जाती है सर तब भी हम वी स्क्वायर अपॉन 127 आर फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है 127 आर लगा करके फॉर्मूला, वहां पर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज प्रिफर्ड इन वैली कर्व, वैली कर्व में कौन सा शेप प्रेफर किया जाता है, देखो वैली कर्व में जो हम बात करते हैं दो ट्रांजिशन कर्व को मिलाकर के कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारा शेप प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा होता है, क्यूबिक पैराबोला प्रेफर किया जाता है। ठीक है जबकि स्पाइरल किसमें होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर कौन सा होता है, स्पाइरल होता है। अगर हम बात करते हैं समिट कर्व के अंदर, तो समिट कर्व के अंदर कौन सा होता है, सिंपल पैराबोला प्रोवाइड किया जाता है, समिट कर्व के अंदर कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, सिंपल कर्व। अच्छा रेलवे में कौन सा प्रोवाइड किया जाता है, रेलवे में, तो रेलवे में केवल और केवल क्या होता है, क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड किया जाता है, और ये क्वेश्चन कल एमपीपीएससी एई के अंदर पूछा गया है, तो समझ लो कितना इजी पेपर है, बस तुमने थोड़ी बहुत चीजें पढ़ी हो तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है चलो 31 की बात करते हैं, तो कोई भी पेपर इजी नहीं होता है। अब तुम बोलो सर ये जेई का सेशन चल रहा है, एई के में दो क्वेश्चन पूछ लिए, फिर तुम बोलोगे सर इसका सेशन कब लाओगे उसका सेशन कब लाओगे, तो कैसे बात चलेगी भाई, सारे क्वेश्चन एक ही होते हैं बट किसी क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हो जाता है किसी क्वेश्चन का लेवल कम हो जाता है, तो क्वेश्चन की इस तरीके से करते हैं, आई बात समझ में। अगर मैं तुम्हारा यहां पे लिख दूं ना ऑल एजेई एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस सेशन है, तब भी ये वैलिड हो जाएगा, वो तो तुम्हें वही क्वेश्चन करवा करा, और तुम्हें मास्टर क्लास के अंदर तो मैं इतने अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं कि तुम्हें प्रैक्टिस सेशन में मिलते ही नहीं है, वो कई जगह बस पुराने क्वेश्चन उठा के करवा दिए जाते हैं, मैं तो तुम्हें अलग से भी करवाता हूँ ना कुछ क्वेश्चन, तो आओगे तो तुम्हें पता चलेगा। अच्छा ये बताओ हाईवे और सर्वे के जब मैंने प्रैक्टिस सेशन लिए थे कुछ क्वेश्चन अलग से नहीं बताए थे क्या, वहीं के वहीं क्वेश्चन बताए थे या नहीं, हाईवे सर्वे इरीगेशन के थ्योरी के साथ, तो तुम आओगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो तुम्हें ज्यादा कंटेंट मिलेगा, ये मैं बता सकता हूँ। बस यूके ट्रिपल एससी के लिए बोल रहे हैं, देखो ये आ गए निक, यूके ट्रिपल एससी के लिए बोल रहे हैं, बेटा यूके ट्रिपल एससी के लिए भी ये क्या हेल्पफुल नहीं होंगे क्या, ये बताओ मुझे। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, हाँ तो अगर हम बात करते हैं एब्रेशन टेस्ट लॉस इन वेट इज 27, अब मुझे देखते हैं यहां पर 10 लोग 20 लोग, तो मैं कैसे मान लूं कि यहां पर सभी लोग आ रहे हैं, तो मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए ना, और मैं तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा हूं, केवल इतना मांग रहा हूं यार सेशन में आ जाओ। ओके मैं उसको एक बार निक आप टेलीग्राम पर एक बार पूरा सिलेबस भेजिएगा, मैं उसको पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद आगे की बात करूंगा। ठीक है निक
ओके चलो, तो अगर हम आते हैं एब्रेशन टेस्ट में लॉस इन वेट इज इक्वल टू 27 ग्राम, देन द कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस विल बी, अगर कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं तो कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस कितना निकल करके आएगा, तो कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस जो निकल करके आता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस निकल करके आता है वो होता है हमारा कितना निकल करके आता है, अरे भैया जल्दी बता दो हमारा कितना निकल करके आता है, तो हमारा होता है 20 माइनस लॉस इन वेट अपॉन 3 निकल करके आता है, तो 20 माइनस 27 बटे 3, तो हमारा बात क्या है 20 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 11 निकल करके आ जाता है, ये तो हमारा निकल करके आ गया हमारा क्या हार्डनेस कॉफिशियंट 11। लेकिन इसके साथ इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर हम बात करते हैं गुड एग्रीगेट के लिए, तो गुड एग्रीगेट की बात करते हैं तो गुड एग्रीगेट के लिए ये कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 17, 17 से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं केपीटीसीएल एई एग्जाम भी है 24 को, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें गुड एग्रीगेट की बात करते हैं, लेकिन उसका रिस्पांस आएगा आप बताओ, रिस्पांस करवाओगे आप, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं मीडियम क्वालिटी की बात करते हैं, तो मीडियम क्वालिटी की बात करते हैं, तो मीडियम क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, तो मीडियम क्वालिटी एग्रीगेट की बात करते हैं कितना 14 से 17 हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो अगर हम बात करें सॉफ्ट एग्रीगेट की बात करते हैं, तो सॉफ्ट एग्रीगेट के केस में कितना होता है लेस देन 14 निकल करके आता है। तो हम बात करें कॉफिशियंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू अगर ये होगी, तो एग्रीगेट इस तरीके से डिफाइन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना था ये 31, 32 की बात करते हैं, यूनिट ऑफ टर्बिडिटी इज, अगर हम बात करें टर्बिडिटी का यूनिट, तो टर्बिडिटी का यूनिट क्या निकल के आता है नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स निकल करके आता है। और कल एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर कौन सा, स्कैटरिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, स्कैटरिंग प्रिंसिपल पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करता है, तो नेफ्लोमीटर जो होता है, नेफ्लोमीटर जो होता है वो किस पे काम करता है हमारा स्कैटरिंग प्रिंसिपल, जबकि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर किस पे करता है एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। अगर हम आते हैं एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो कल डायरेक्टली क्वेश्चन इससे पूछा गया था, जो मैं यहाँ पर डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन हाँ उस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 नंबर की बात करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच हैव द लीस्ट नंबर ऑफ कट ऑफ बॉल्स, लीस्ट नंबर ऑफ कट ऑफ बॉल्स कौन सा सिस्टम रखा था, तो एक यहाँ पर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ऐसा ऐसा एक रेक्टेंगुलर सिटी है तो कौन सा सिस्टम सुटेबल होगा, रेक्टेंगुलर सिटी है तो कौन सा, ठीक है हाँ, तो अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिटी है तो कौन सा सिस्टम वहां पर होगा, दिनेश जी कल के पूरे सेशन में थे वो बता सकते हैं कि वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है लीस्ट नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल्व है, तो लीस्ट नंबर ऑफ कट ऑफ वॉल्व के लिए कौन सा होता है हमारा डेड एंड सिस्टम निकल करके आता है, कौन सा होता है डेड एंड सिस्टम निकल करके आता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर हाँ ग्रिड आयरन सिस्टम हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम ग्रिड आयरन सिस्टम और मिनिमम कितना होता है डेड एंड, तो हम बात करते हैं वहां पर ग्रिड आयरन सिस्टम वहां पर आंसर हो गया था, ठीक है। तो कल के पेपर में जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी यहाँ पर नहीं सी आंसर होगा बेटा, 34 की बात करते हैं, एन एरोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सुटेड फॉर, अगर हम एन एरोबिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो किसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है, तो एन एरोबिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो एन एरोबिक ट्रीटमेंट किसके लिए होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए सुटेबल होता है, क्यों स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए ही क्यों सुटेबल होता है, तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक के लिए इसलिए सुटेबल होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा क्या निकल करके आएगा वेस्ट निकल करके आएगा और उससे जो गैसेस बनेंगी बहुत ज्यादा होंगी, तो वो क्या होगा बहुत चीजों को खराब करेगा, इसलिए वहां पर एनएरोबिक करते हैं और ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगी वो बहुत तेजी से हो रही होगी और उस ग्रोथ को कंट्रोल करना आसान नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं एनएरोबिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, एनएरोबिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे 34 की, 35 की बात करें, इमहॉफ कॉन इज यूज टू डिटरमाइन, अगर हम इमहॉफ कॉन की बात करते हैं तो किस लिए यूज किया जाता है, तो इमहॉफ कॉन होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स के लिए, हम सॉरी सस्पेंडेड सॉलिड नहीं सेट लेवल सॉलिड्स के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं, किसके लिए सेट लेवल सॉलिड्स के लिए हम जनरली इसको यूज कर रहे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, अमॉन्ग द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट्स एन एरोबिक डीकम्पोजिशन टेक प्लेस, अगर एन एरोबिक डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो एन एरोबिक डीकम्पोजिशन किसके अंदर हो रहा होता है, तो अगर हम बात करते हैं इमहॉफ टैंक की, तो इमहॉफ टैंक के अंदर क्या होता है एन एरोबिक डीकम्पोजिशन हो रहा होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 37 की बात करें, द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन इन द सी ऑफ सीवेज इन द रिवर इज,
रिवर में प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा फैक्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट निकल करके आता है? तो अगर हम बात करें जो फैक्टर इंपॉर्टेंट निकल कर आता है वो क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वॉटर, तो डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वॉटर बिल्कुल यहाँ पर फैक्टर निकल करके आता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी एक फैक्टर होता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाती है, रिएक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम बात करें टर्बुलेंस, टर्बुलेंस बिल्कुल अगर टर्बुलेंस ज्यादा होगा तो उतनी ज्यादा प्योरिटी नहीं निकल करके आती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, मतलब सरकारी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सरकारी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन निकल करके आएगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर की बात करते हैं। द बेंडिंग मूवमेंट इज मैक्सिमम ऑन अ सेक्शन वेयर शेयर फोर्सेस। अगर बेंडिंग मूवमेंट निकालना है तो डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो कर दो। बेंडिंग मूवमेंट का क्या चाहिए हमें, मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए क्या कर दो, डीएम बाई डी एक्स जीरो होता है, और डीएम बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, तो शेयर फोर्स को कितना कर दिया, जीरो। तो जहां पर शेयर फोर्स अगर हम बात करते हैं जीरो हो रहा है, या हम बात करें चेंजेस साइन, चेंज इट्स साइन, जहां पर साइन चेंज कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट। वहीं पर वही वही क्या निकल करके आएगा, मैक्सिमम निकल करके आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 की बात करते हैं बच्चों। 39 का आंसर बताना तुम लोग मुझे। अरे कहां गए, अरे समझ में नहीं आएगा पिछला क्वेश्चन। अरे हाँ या ना तो बोल दो, पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? देखो अगर हम बात करें एक सिंपली सपोर्टेड की बात कर लो, लो ये सिंपली सपोर्टेड की बात कर लें, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड की बात करो, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड के, चलो यूडीएल लगा दो इसमें, यूडीएल लगा दो। अगर यूडीएल लगाओगे तो कितना निकल के आएगा, इस तरीके से निकल करके आएगा या नहीं, ये। और अगर हम इसका लगाते हैं तो ये कैसे निकल के आएगा, ये। तो बेंडिंग मोमेंट ने अपना साइन कहां पर चेंज किया, बीच में, जहां पर शेयर फोर्स, शेयर फोर्स एसएफडी की बात करें वहां पर अपना साइन चेंज किया, ये किसका आ गया है, ये बीएमडी का आ गया है। तो बताओ चेंजेस आ गया या नहीं, हाँ या ना। अरे बेटा मिनिमम आंसर्स देते हैं, मैं मानता हूं, मिनिमम कहां देते हैं, ये तो लो बेस्ट आंसर चेंज साइन। तो यहां पर अभी हम देखें तो कौन सा होगा जहां पर साइन चेंज करेगा, और बताऊं, लो अगर तुम्हें देखना है, लो देख लो, देखो देखो यहां पर, ना ना नहीं अब तो मैं नहीं खेल रहा, अब तो तुम्हें बताऊंगा। तो देखो शेयर फोर्स डायग्राम क्या आएगा, ये शेयर फोर्स डायग्राम आया, इसका बीएमडी बनाना जरा, क्या बीएमडी क्या ट्राइंगुलर आएगा इस तरीके से, बताओ कहां पर मैक्सिमम हो रहा है, जहां पर शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, अब बताओ। नहीं मैं तो तुम्हें प्रूफ करके ही मानूंगा, तुम अपने कंसेप्ट बना के रखो, बुक्स में आंसर गलत है तो उसके लिए झगड़ने की कोशिश करो बस, यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए तो अपने कंसेप्ट पर स्टिक रखो, अपने कंसेप्ट पर स्टिक रखो बस, बाकी सब जाए दुनिया भाड़ में, ठीक है। हो सकता है ये सर भी गलत बता दें, हो सकता है दूसरे सर भी गलत बता दें, लेकिन कंसेप्ट अपना स्टिक रखो। बुक में जो लिखा है हमेशा सही नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, और हमेशा गलत भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल कंसेप्ट पे स्टिक रहना है, और वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। जो एग्जाम में जाते हैं ना, ए होगा, बी होगा, सी होगा, वो इसी कारण से होता है, तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि तुमने कुछ पढ़ा है। अपने कॉन्सेप्ट में स्टिक रखो यार, मैं टॉपर बना दूंगा, इससे बढ़िया बात क्या है कि तुम टॉपर हो जाओगे यार, मेरे लिए नथिंग इज बेटर देन दिस वन। चलो 39 की बात करते हैं, कहां गए यार 39। हाँ, एन एक्चुअल लोड कैरिंग अ कैपेसिटी ऑफ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ गिवन मटेरियल विद द क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द लेंथ ऑफ द गवर्न दिस वन। तो हम बात करते हैं क्या निकालना है, एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। तो एक्चुअल लोड कैरिंग कैपेसिटी हम निकाल लें, पी क्रिटिकल इज इक्वल टू कितना था, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। और एल इफेक्टिव कहीं ना कहीं डिपेंड करता है किस पे, स्लेंडरनेस रेशियो पे, और स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है ई आई क्या होती है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, तो दोनों पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 40 को मैं आपको देता हूं होमवर्क के अंदर, होमवर्क के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको सभी को तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर टाइप करके बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। ध्यान रखना है यहाँ पर बास पास कोड सभी को यूज करना है, टेस्ट बुक पास के लिए बिल्कुल ले लो यार, क्योंकि कल के सेशन में भी मुझे ये पता चला है कि कहीं ना कहीं ये चीजें हेल्पफुल साबित हुई हैं। तो कैसे एक्सेस करना है वो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि तुमको कैसे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर आना, जो यूट्यूब वीडियो चल रहा है
YouTube वीडियो चल रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, देखो तो डिस्क्रिप्शन में जाना, तो यहाँ पर जाओगे तुम, यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर जाओगे तो किस तरीके से तुम्हें यहाँ पर टेस्ट बुक पास का सेक्शन मिलेगा, बाई ईयरली टेस्ट बुक पास। जैसे ही आप बाईपास करोगे तो हम बात करें ईयरली पास, देखो 499 का मिल रहा है, लेकिन 499 का मत ले लेना यार कोई भी। एक काम करना, कूपन अप्लाई कर देना। क्या कूपन अप्लाई करोगे? VASPASS बास पास कूपन अप्लाई करोगे। जैसे ही कूपन अप्लाई करोगे ये 375 मतलब 25% डिस्काउंट, तो रिन्यूअल भी करना है, रिन्यूअल करके रख लो ठीक है। और 550 प्लस एग्जाम है, जितने AEJEE एग्जाम है सब लगा मारो, उसमें प्रॉपर एनालिसिस आता है। तुमने अगर RCC का पेपर किया तो कौन सा टॉपिक कमजोर है वो टॉपिक का एनालिसिस आता है, तो वो टॉपिक को तुम ध्यान दो, थोड़ा सा उस टॉपिक को ध्यान दो। अपने आप जो टॉपिक बाय टॉपिक इंप्रूव करते जाओगे, चीजें अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। हमेशा अपने पिछली परफॉर्मेंस से इसमें अच्छा दो। टेस्ट देने का भी एक तरीका होता है बेटा, निगेटिव मत देखो, क्या देखो? पॉजिटिव। और पॉजिटिव के साथ साथ वो निगेटिव देखो जो तुमने किए हैं गलती से, ये मत देखो। तो पिछली बार से कम करना है निगेटिव, पिछली बार 15 किए थे, इस बार 14 ही करोगे बस, ये मान के चलो। अगर तुमने ये चीजें इंप्रूव कर दी तो अपने आप परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी ठीक है। तो किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करो, उसकी इतनी रैंक आई हमारी इतनी रैंक आई इस बार, ना 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 ना। अपने निगेटिव कंट्रोल करोगे, अपने आप चीजें कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर है बात? तो मिलते हैं एक छोटे से सेशन के बाद 11:30 बजे, सभी लोग ध्यान देना। और अगर आप टेक्स्ट बुक, अगर हम बात करते हैं आप यहाँ पर सुपर कोचिंग के लिए नोट करना चाहते हैं, तो Vaibhav20 कोड को याद रखिएगा और इसको 20% डिस्काउंट के साथ अवेल कीजिएगा। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच फॉर द सेशन, थैंक यू सो मच।